से होती है शादी शुरू। ये हमारा घर है और मंडी देखा आपने कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे सबसे पहले सत्यनारायण जी की कथा शुरू हो चुकी है, जो कि सबसे पहले शुरू की जाती है जब भी कोई शादी शुरू होती है। मुझे पहाड़ी शादी का तो पता ही है कि सबसे पहले यही किया जाता है हिमाचली शादी में। और यहाँ पे गेस्ट सारे आए हुए हैं, पंडित जी आए हुए हैं पूजा करने, और ये मेरे मम्मा हैं और उनके साथ मेरे पापा बैठे हुए हैं। ये मेरे पापा हैं पहाड़ी टोपी पहन के, ये मैं और मेरा बेटा है साविर हम बैठे, ये मेरी मासी वगैरह थे। और यहाँ पर सत्यनारायण जी की पूजा की जा रही है, तो मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं। सावी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, ये मेरे बुआ जी हैं और ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। और अब हम आरती करने लगे हैं यहाँ पे। अभी दूल्हा राजा भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ है। ये रहा दूल्हा राजा, ये देखिए दूल्हा राजा, ये मेरे बुआ जी खड़े हैं साथ में, ये आरती करने लगे हैं अभी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जोत ठीक करे, ये आरती शुरू हो चुकी है। मैं, मम्मा पापा, भाई और हमारे हमने आती। और ये देखिए सावी को कंट्रोल करना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा था। ये मेरी दादी हैं और ये आरती करवा रहे हैं दादी जी से। और ये पीछे जो है ना, वो केले के पत्ते लगाए हुए हैं धागे के ऊपर, कहते हैं ना शुभ होता है केले के पत्ते लगाना, तो ये केले के पत्ते लगाए हैं। और यहाँ इसको पहाड़ी टोपी पहना दी है। अब दूसरी रिवाज शुरू होने वाला है, इसके तेल शुरू होने वाले हैं। हमारे यहाँ पे तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो तेल शुरू करने से पहले उसको थोड़ा सा उबटन लगाया जा रहा है। और अब इसके बाद इसको तेल लगने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए तेल की तैयारी हो गई है, ऊपर से एक हैंकी रख दिया है सो दैट उसके हेयर ज़्यादा गिले ना हो खराब। ये सबसे पहला तेल मेरी मम्मा ने शुरू किया। इस तरह एक ध्रुव का हमारा एक होता है, उसके साथ तेल लगाने शुरू किए जाते हैं। अब बार बार ये मैं और मेरे हस्बैंड हम तेल लगा रहे हैं, तो इस तरह सब तेल लगाते हैं सो दैट कि तेल डालते हैं, नॉट लगाते हैं, तेल डालते हैं सो दैट नज़र ना लगे। ये मेरी नानी जी हैं और ये मेरे सारे नानके वाले हैं, तो इस तरह तेल लगाते हैं कि नज़र ना लगे शादी पर, जो भी बुरी नज़रें हैं वो उतर जाए। मम्मा और पापा की टर्न आ चुकी है। सबसे पहले शुरू मम्मा ने ही किया था। और ये जो सिर पर इन्होंने बांधा हुआ है, ये मामी, मम्मा और घर के कोई बड़े और हैं जो पूजा कर रहे हैं वो पहनते हैं। और इसको हमारे यहाँ गासी पूजना कहते हैं। अभी मुझे नहीं पता और लोगों को पता होगा कि नहीं, बट ये पूजा चल रही है। तो यहाँ पे ये हमारी दुल्हनिया है और यहाँ पे मेरी दादी इसको टीका लगा के तेल लगाने लगे। इसी तरह भी बहुत सारे और लोग आएंगे थोड़े थोड़े करके जो तेल लगाते रहेंगे इसको। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना ये मैंडेटरी रूल होता है कि सबको आके तेल डालने हैं और इसके बाद लंच होता है घर पे ही। और ये मेरी कज़न थे। अभी एक और नई कस्टम जो हिमाचली कस्टम है वो शुरू हो गया है। हम जा रहे हैं वेल की तरफ, कुएँ की तरफ पानी भरने। मेरे मामा जी को मटके के अंदर ये जो घड़ा है इसमें पानी भर के लेकर आना है। और जितनी भी लेडीज़ साथ में जा रही हैं वो पूरी सड़क पर एक कलर जो है वो लगाती हुई जाती हैं, रोली जिसको कहते हैं, वो कलर लगाती हुई जाती हैं। और अभी हम आ गए हैं पानी भरने घड़े में, मटके में। तो इस तरह सबसे पहले ये सबसे जो हमारी हिमाचली शादी होती है उसमें मामा और मामी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे सारी शादियों में मामा मामी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं खड़ी हूँ पीछे, मेरी मामी जी हैं। और अभी यहाँ पर इन्होंने सबने पानी, पहले सबसे पहले पानी मामा जी भरेंगे घड़े के अंदर, और उसके बाद टर्न बाई टर्न सब भरते हैं उसको, मटके को पत्तों के अंदर पानी भर के लेके जाते हैं और फिर मटके में डालते हैं। ये देखिए मटका भी कलश, आप देखेंगे किस तरह हम लोग सारे पानी इसके अंदर भरेंगे। अब ये पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। एक तो पूजा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ एकदम, पंडित जी की सारी सारी बातें सुनना। तो अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए पत्तों के अंदर हम पानी भर के लेके जा रहे हैं टर्न वाइज टर्न सारे के सारे, और उस घड़े के अंदर डालेंगे। ये इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बाद में इसी पानी से जो है वो लड़के को नहलाया जाएगा। जैसे उसको तेल लगे थे और उसको उबटन लगता है, तो वो उसी से उसको नहलाया जाएगा लड़के को। तो देखिए कैसे सारे भर रहे हैं उस घड़े को जाके, बहुत अच्छा लगता है यार जब कहीं भी शादी होती है ना कहीं पे, कितना मज़ा आता है। ये सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं फोटोग्राफ के लिए, से चीज़। और यहाँ शुरू हो चुकी है हमारी पहाड़ी नाटी। ये बहुत मस्ट वॉच है, ये हिमाचली शादी में मस्ट वॉच है। ये वाला जो म्यूज़िक पीछे चल रहा है इसी पे पहाड़ी नाटी की जाती है, और स्टेप्स सबके सेम है और बहुत फनी है, आप लोगों को बहुत हंसी भी आएगी। प्लीज़ मस्ट वॉच है।
और ये जो सॉन्ग है ये है रोडू जाना मेरी आमी है, रोडू जाना हो, रोडू जाना मेरी आमी है, रोडू जाना हो, रोडू जाना आमी है, रोडू जाना हो। इसका मतलब है एक डॉटर अपनी मम्मा को बोल रही है कि मुझे रोडू जाना है जो कि शिमला के अंदर है। और यहाँ पे मैंने अपनी मदर इन लॉ और अपनी मम्मा का हैंड पकड़ा है, दोनों को डांस करवा रही हूँ मैं। और ये जो रिवाज है इसमें ये देखिए आप धागे के साथ जो मोली हम हाथ में बांधते हैं उसके साथ उसको नाप रहे हैं ऊपर से नीचे, इसी धागे के साथ बाद में दुल्हन को लेकर आते हैं मम्मा या फिर जो घर के बड़े होते हैं जैसे दादी या मम्मा लेकर आएंगे उसको। तो वो रिवाज आप ज़रूर देखना, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा पार्ट टू में। और यहाँ हम तैयार हो गए हैं बैंड बाजे के साथ, पहाड़ी धुन पे जो बैंड बाजा बज रहा है उसके साथ जा रहे हैं हम अपने नानी के यहाँ। सबसे पहले हमारे को नानी के यहाँ पे जाना होता है, जब दुल्हन को लेके आते हैं तो भी नानी के यहाँ जाते हैं पैदल पैदल, और जब बारात लेके जा रही होती है उससे पहले भी नानी के घर जाते हैं, और इस रिवाज के बाद भी नानी के घर जाते हैं। अब नानी के घर जाके थोड़ी सी पूजा होगी, ये पूजा शुरू हो गई है और हम सारे अपने मेरी नानी के यहाँ आए हैं, और ये मेरी मामी जी है जो पूजा को इनिशियलाइज़ कर रही हैं। ये सारे रिलेटिव्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी मासियाँ, उनकी डॉटर्स, मेरी दादी जी, और ये मेरी मदर इन लॉ, और ये रही मैं, और ये मेरी कज़न्स हैं, मेरी बुआ जी। तो ये सारे रिलेटिव हम लोग यहाँ पे आए। अब यहाँ पे थोड़ी सी खातिरदारी वगैरह होती है, चाय पानी वगैरह चलता है, और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घर वापस जहाँ पे शादी हो रही होती है, और वहाँ पे दोबारा से फिर पूजा ही होगी शुरू। अब यहाँ पे तेल को ख़त्म कर दिया है, तेल लास्ट तेल भी मामी और मम्मा ने ही डाला है। अब उसके बाद देखिए हम इसको बटन लगा रहे हैं कि थोड़ा सुंदर सुंदर निखर जाए। ये मेरी मम्मा ने लास्ट तेल डाल दिया बस यहाँ पे, और मामी जी ये दो डालते हैं लास्ट तेल, ये मेरी मम्मा है और मेरा भाई है। और यहाँ पे अब हम इसको नहलाने लेके जा रहे हैं, तो ये इतना शर्माता है ना, यहाँ पे मेरी हमने इसको तैयार करना शुरू कर दिया है, इसके कपड़े बहन पहनाती है, वैसे भाभी का भी होता है बट यहाँ पे मैं इसको तैयार कर रही हूँ और मेरे मामा मामी जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं। ये जो ड्रेस आती है वो नानी के यहाँ से आती है लड़के की, और ये मैंने इसको तैयार करना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा अपने वीरे की वेडिंग पे वीरे को। ये मेरी नानी और दादी भी खड़े हैं साथ में, सेहरा बहुत हैवी होता है इस पे, अभी तो वो लटकन लगते तो और भी हैवी हो जाता है, तो ये सेहरा भी लग गया है भाई जी को। तो इस तरह ये हो गए हैं तैयार, और यहाँ पे लोग आ गए हैं, और ये मेरा सावी देखिए कितना छोटा था जब शादी थी, ओह कितना क्यूट लग रहा है। तो यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं, अब उसके साथ थोड़ा थोड़ा फ़ोटो सेशन, ये मैं और मेरे हस्बैंड और साविर, मैं कितनी मोटी थी, और ये किस कर रहा है नानी को। ये मेरे पापा, यहाँ पे हो चुका है मेरा वीरा बिल्कुल रेडी, और मम्मा उसकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं कि जाओ दुल्हन को लेकर आओ, मेरी बहू रानी को लेकर आओ। तो यहाँ पे सारे बराती तैयार हो चुके हैं, सेहरा दूल्हे का सज चुका है। मेरी दादी हमें वहाँ तक नहीं गए थे जहाँ वेडिंग प्लेस था, बिकॉज़ वो थोड़े एज के अकॉर्डिंग हो जाता है, बट वो हमें नीचे तक छोड़ने आया था। और ये गाड़ी तैयार हो चुकी है फूलों से, और यहाँ पे भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था तो मैं उसको कंफर्टेबल कर रही थी, तो मैं उसको गाड़ी में बिठाने लगी, और उसके बाद हम करने लगे हैं यहाँ से प्रस्थान। लेकिन प्रस्थान से पहले होगा बहुत सारा डांस। तो वीर जी बिहान चले आ, वीर जी बिहान चले आ, तो यहाँ पे उसको हमने मेरे कार में बिठा दिया, मैं खुद भी उसके साथ कार में बैठ गई थी, उसको थोड़ा कुछ बता रही थी, और उसके बाद मैं आने लगी हूँ बाहर डांस करने। और अब हमारा होगा बैंड बाजे वाले सॉन्ग पे डांस। ये पापा थोड़े से पैसे फेंक रहे थे, सिक्के फेंकते हैं, मुझे नहीं पता रीज़न क्या होता है, बट ये कॉइन फेंकते हैं इसे। Thank you.
तो इसी के साथ मैं पार्ट वन का कर रही हूँ एंड। आई होप आप लोगों को हिमाचली वेडिंग अच्छी लगी होगी। अभी पार्ट टू रहता है जिसमें और भी बहुत सारा मज़ा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर देना, और नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखना। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।